नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने कंपेयर करने वाला हूं Realme 7 Pro और Samsung A52 के बीच में। दोस्तों इन दोनों ही फ़ोन में हमें काफ़ी सिमिलर फीचर देखने को मिलते हैं, तो आज मैं आपके सामने इनमें दोस्तों कंपेयर करके बताऊंगा कि दोनों में से दोस्तों आपके लिए कौन सा फ़ोन परफेक्ट रहेगा और कौन सा फ़ोन दोस्तों आपको इनमें से लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन काफ़ी टाइम बाद खरीद पाते हैं काफ़ी पैसे इकट्ठा करके, तो ऐसा ना हो कि आप इसको ले लो तो आपको बाद में अफसोस हो कि आपको जीवा लेना चाहिए, या फिर दोस्तों आप इसको ले लो तो आपको बाद में अफसोस हो कि मुझे जीवा लेना चाहिए था। दोस्तों आज मैं आपको इन दोनों के बीच में काफ़ी कंप्लेंट करके बताऊंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा फ़ोन बेस्ट रहेगा, कौन सा फ़ोन वैल्यू फॉर मनी रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पर अंत तक बने रहें, और दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे पास सैमसंग A50 और ये है मेरे पास दोस्तों Realme 7 Pro, ये देखिए। और दोस्तों दोनों ही का मेरे पास 6GB और 128GB वाला वेरिएंट है, और दोनों में दोस्तों आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 720G। तो दोनों देखने में काफ़ी सिमिलर हैं अगर फीचर वाइज देखा जाए। तो कैमरे के मामले में बात करूँ दोस्तों, तो दोनों में दोस्तों ये 4 कैमरे सेटअप दिया गया है और दोनों का ही मेन कैमरा दोस्तों 64 मेगापिक्सल का है। बट दोस्तों डिफरेंस आता है बाकी और कैमरा में, क्योंकि इसमें मिलते हैं आपको 12+5+5 के कैमरा, बाकी इसमें मिलते हैं दोस्तों आपको 5+2+2 के कैमरे, शायद ऐसा ही कुछ अंतर है इसमें। और दोस्तों डिस्प्ले के जो फ्रंट कैमरा होता है दोनों में आपको पंचोल दिया गया है, बट इसका A52 का दिया गया है सेंटर में और Realme 7 Pro का दिया गया है दोस्तों कॉर्नर में, और दोनों का ही दोस्तों सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। तो दोस्तों दोनों ही काफ़ी सिमिलर हैं, और दोनों में दोस्तों आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है। बट दोस्तों चार्जिंग की बात करें तो ये सपोर्ट करता है Realme 7 Pro 65W के फास्ट चार्जर को, जो बॉक्स के अंदर आपको मिलता है, और ये सपोर्ट करता है 25W के चार्जर को, जिसको आपको अलग से खरीदना पड़ेगा मार्केट से, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको मिलता है सिर्फ 15W का चार्जर। तो चार्जिंग के मामले में दोस्तों Realme 7 Pro आगे निकल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सारे डिफरेंस बताऊँगा और आपको उनको जो बताऊँगा कि कौन सा किस फीचर में कौन सा फ़ोन बेस्ट है, जिससे दोस्तों आपको अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस फ़ोन के बारे में बात करता हूँ। तो दोस्तों देखिए दोनों में आपको मिलती है, इसमें मिलती है दोस्तों आपको 6.5 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले सैमसंग में, इसमें मिलती है 6.43 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले। तो दोस्तों दोनों में आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलती है सुपर एमोलेड पैनल के साथ, और दोस्तों दोनों में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है डिस्प्ले के अंदर, और दोनों में ही आपको मिलता है दोस्तों फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट। अब दोस्तों कलर की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि दोनों की ब्राइटनेस दोस्तों काफ़ी अच्छी है, बट ज़्यादा अच्छी ब्राइटनेस लग रही थी सैमसंग की, क्योंकि सैमसंग की डिस्प्ले जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती हैं, और सैमसंग के दोस्तों बेजल हैं वो थोड़े कम हैं नीचे के, बाकी दोस्तों ऊपर के साइड के बराबर हैं, बट सैमसंग दोस्तों नीचे के जो बेजल दिए गए हैं वो थोड़े कम हैं रेडमी के या रियलमी के सामने। और दोस्तों UI की बात करें तो काफ़ी लोगों को दोस्तों रियलमी UI अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को दोस्तों सैमसंग अच्छी लगती है, बट मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो दोस्तों मुझे सैमसंग UI काफ़ी पसंद है, क्योंकि दोस्तों ये एक नॉर्मल UI होती है, ज़्यादा इसमें कुछ जैसे झंझट नहीं होता, आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। दोस्तों इसमें आपको Realme 7 Pro में दोस्तों आपको मिलता है ट्रिपल कार्ड स्लॉट, जिसमें दोस्तों आप 2 SIM+SD कार्ड लगा सकते हो, और वहीं दोस्तों इसमें मिलता है आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट, जिसमें आप 1 SIM और 1 मेमोरी कार्ड ला सकते हो, या फिर 2 SIM। तो दोस्तों आपको इसमें ये कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अगर आप 3 स्लॉट वाला फ़ोन चाहते हो तो आपको सैमसंग A52 पसंद नहीं आने वाला। कैमरा और डैम दोस्तों दोनों ही काफ़ी बढ़िया है। प्रोटेक्शन की बात करें डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो दोस्तों आपको Realme 7 Pro में मिलता है कोर्निन गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, और A52 में मिलती है कोर्निन गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। दोस्तों कैमरे के अंदर की सेटिंग की बात करें तो इसके कैमरे में दोस्तों आपको मिलता है OIS का सपोर्ट, जिससे दोस्तों आपकी वीडियो जो है काफ़ी स्टेबल आएंगी अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो तो, इसमें दोस्तों आपको EIS का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, बट मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूँ तो सैमसंग का A52 का कैमरा दोस्तों काफ़ी बढ़िया है इसके आगे, इसका बुरा नहीं है Realme 7 Pro का, बट इसके सैमसंग के आगे Realme 7 Pro का कैमरा थोड़ा फीका पड़ जाता है, बट कैमरे दोस्तों दोनों फ़ोन के काफ़ी बढ़िया हैं। अब दोस्तों बैटरी के मामले मैंने आपको बता दिया कि बैटरी में दोनों में आपको 4500mAh की बैटरी मिलती है, बट बैटरी बैकअप दोस्तों सैमसंग A52 का ज़्यादा बेटर है,
बट चार्जिंग टाइम की बात करूँ दोस्तों, इसके साथ रियल मी सेवन प्रो के साथ जो चार्ज मिलता है उससे दोस्तों आप इस फ़ोन को सिर्फ 40 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर सकते हो, 0 से 100% तक 40 मिनट में। और इसकी चार्जिंग की बात करें तो जो चार्जर बॉक्स के अंदर मिलता है उससे आपको उसे फुल चार्ज करने में 1.5-2 घंटे लगते हैं। तो ये दोस्तों आपको देखना है कि आपको फास्ट चार्ज वाला फ़ोन चाहिए या फिर दोस्तों आप नॉर्मल चार्जिंग वाले फ़ोन से भी काम चला सकते हो। अगर आपको सैमसंग चाहिए दोस्तों आपको ये चार्जिंग वाला कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों और बात करूँ मैं आपसे इसके और फीचर की दोस्तों, तो इसमें दोस्तों हमें मिलती है 19Hz का रिफ्रेश रेट सैमसंग के अंदर, और रियलमी 7 प्रो में मिलता है दोस्तों हमें 60Hz का। दोस्तों इसमें ये फास्ट रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है क्योंकि दोस्तों ये एक काफ़ी अच्छा नए लेवल में फ़ोन आ जाता है 52। और एक बात और बताऊँ मैं दोस्तों आपको, रियलमी 7 प्रो में दोस्तों कोई भी बॉर्डर की प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलती कि अगर आप इसे पानी में ले जा रहे हो या किसी स्विमिंग पूल में यूज कर रहे हो तो दोस्तों ये ख़राब हो जाएगा। बट A52 दोस्तों बॉर्डर रेजिस्टेंस है, इसमें दोस्तों IP67 की रेटिंग मिलती है, जिसमें दोस्तों आपका ये फ़ोन अगर आप 10 से 15 मिनट तक पानी के अंदर भी यूज करते हो स्विमिंग पूल वगैरह के अंदर तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा कंपनी का क्लेम है क्योंकि ये एक वाटर प्रूफ फ़ोन है। तो इसमें दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपसे कॉल क्वालिटी की, तो कॉल क्वालिटी में दोस्तों दोनों में ही आपको 4G प्लस का सपोर्ट मिलता है, इसमें भी सैमसंग में भी इसमें भी। सिम मेरे दोनों फ़ोनों में नहीं लगी हुई है, इनमें जी सैमसंग में नेटवर्क दिखाता है बिना सिम के भी, चाहे कोई सा भी फ़ोन हो फिर भी दिखाता है। तो दोस्तों दोनों फ़ोन में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें दोस्तों आपको 4G प्लस के नेटवर्क देखने को मिलेंगे दोनों में। अगर आपके क्षेत्र में 4G प्लस के नेटवर्क हैं तो आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉल रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो अगर आप रियलमी 7 प्रो ले रहे हो दोस्तों आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अगर आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले बंदे को दोस्तों नोटिस चला जाता है कि आप उसकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहे हो। वहीं दोस्तों सैमसंग A52 में ऐसा कोई भी मैटर नहीं है कि अगर आप इसमें कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो किसी को पता लगे, इसमें आप ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो बिना किसी को बताए। तो दोस्तों सैमसंग क्योंकि इसमें मिलता है आपको सैमसंग का डायलर, सैमसंग UI 3.1 का, और दोस्तों इसके अंदर मिलता है आपको गूगल वाला डायलर, ये देखिए। तो ये एक टेंशन वाली बात होती है उन लोगों के लिए जो लोग कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जिन लोगों को कॉल रिकॉर्डिंग पसंद है वो अपने हिसाब से देख लें कि उन्हें कौन सा फ़ोन इनमें से लेना है। तो दोस्तों हर मामले में मैं ये बताऊँगा आपको कि सैमसंग ये रियलमी 7 प्रो से थोड़ा बेटर है, बट चार्जिंग के मामले में दोस्तों ये सैमसंग पीछे रह जाता है। लेकिन दोस्तों दोनों के प्राइस में भी डिफरेंस है। अगर आप A52 लेते हो 6GB 128GB वाला, तो ये आपको मिलेगा तकरीबन 26,000 रुपये का 6GB और 128GB वाला वेरियंट। और वहीं दोस्तों आप रियलमी 7 प्रो लेते हो तो जी मिल जाएगा दोस्तों आपको ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर या मार्केट से भी 6GB 128GB वाला 19,000 रुपये का। पर दोस्तों इस पर ऑफर चलती रहती है रियलमी 7 प्रो पे, तो इन दोनों में दोस्तों कम से कम 7-8,000 रुपये का डिफरेंस है। तो दोस्तों 7-8,000 रुपये में आपको सैमसंग दे रहा है वही सब कुछ जो आपको रियलमी 7 प्रो दे रहा है, एक आध दो एक्स्ट्रा फीचर आपको सैमसंग में मिलते हैं, तो आप अपने मुताबिक दे सकते हो। मुझे पर्सनल सैमसंग A52 ज़्यादा पसंद आया रियलमी 7 प्रो के सामने, क्योंकि दोस्तों ये एक चाइनीज वेरिएंट है और ये दोस्तों एक इंडियन फ़ोन है, क्योंकि इसके सर्विस सेंटर सैमसंग हमें हर जगह मिल जाते हैं। तो दोस्तों डिज़ाइन देखने भी काफ़ी अच्छी लग रही है सैमसंग की, तो अगर मुझसे कोई पूछे दोस्तों मैं तो बोलूँगा कि A50 ले लो कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे के, क्योंकि आपको इसमें एक दो फीचर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं और बाकी सारे फीचर दोस्तों इसमें हमें रियलमी 7 प्रो से थोड़े अच्छे मिल रहे हैं। तो ये दोस्तों मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर आप को रियलमी 7 प्रो पसंद है तो आप इसे भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर हैं, और A52 पसंद है तो आप इसे भी ले सकते हो। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं बॉक्स कॉन्टेंट की, तो दोस्तों देखिए मैं आपको बॉक्स दिखाता हूँ एक करके। ये है दोस्तों A52 का बॉक्स, इसके अंदर सिर्फ हमें डाटा केबल और चार्जर मिलता है, कवर पवर कुछ नहीं मिलता हमें इसके अंदर, कुछ किताब मिलती हैं बुक वगैरह। और ये है दोस्तों रियलमी 7 प्रो का बॉक्स, जिसके अंदर दोस्तों हमें एक कवर मिलता है ट्रांसपेरेंट कवर ये वाला, और दोस्तों हमें मिलता है एक चार्जर जो कि दोस्तों 65W का है सुपर डॉट चार्जर, और ये डाटा केबल। दोस्तों इसमें अभी हमें एक एक्स्ट्रा चीज मिलती है जो है दोस्तों कवर, बाकी सब कुछ सेम है और चार्जर दोस्तों इसका फास्ट है। तो दोस्तों आपने दोनों फ़ोन की कंपेरिजन देख लिया, दोस्तों अगर आपका बजट 20,000 रुपये है तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो, इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा ऐसे डालने में कोई टेंशन नहीं है, तो आप A52 की तरफ भी जा सकते हो,
क्योंकि दोस्तों A52 में हमें एक दो फीचर दो तो एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, और वहीं दोस्तों हमें मिलती है सैमसंग की ब्रांडिंग जो रियलमी के सामने काफ़ी अच्छी है। और सैमसंग तो सर्विस सेंटर आपको हर जगह मिल जाते हैं और सर्विस भी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए जो वैल्यू फॉर मनी हो, जिसको आप बाद में भी सेल कर सको अच्छी कीमत में, तो आप A52 की तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब आप इसे बाद में सेल करोगे तो आपको इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। वहीं दोस्तों अगर आप रियलमी को यूज़ करने के बाद में सेल करते हो तो आपको इसकी इतनी अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों ये एक चाइनीज ब्रांड है। तो अब आप अपने हिसाब से देख सकते हो, फीचर दोनों में सेम दिए गए हैं, कैमरे दोनों में सेम है, चार्जिंग दोस्तों बैटरी दोनों में सेम है, सिर्फ चार्जिंग का फ़र्क है। बट दोस्तों चार्ज दोस्तों इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बैटरी दोनों के अंदर सेम दी गई है। तो अब आप देख सकते हो 20,000 रुपये तक का बजट आपका है, तो आप इसकी तरफ जाइए, और आपके पास बजट का कोई टेंशन नहीं है, आप एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकते हो तो आप इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि दोनों में आपको बैटरी सेम है, प्रोसेसर सेम है, और दोस्तों डिस्प्ले भी दोस्तों एक सी दी गई है, थोड़ी बहुत थोड़ा सा पड़ा गया, और बाकी दोस्तों सारे फीचर इसमें सेम दिए गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है, कौन सा फ़ोन परफेक्ट है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।